नमस्कार। चटपट घरेलू डिश में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। आज हम एक न्यू यूनिक ट्रिक से बनाएंगे मंचूरियन फ्रेंड, जो एकदम बिल्कुल नया होगा। चैनल पे हमेशा यूनिक ट्रिक डालते हैं, न्यू वेरिएंट फ्रेंड, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड। तो चलिए आज हम बनाते हैं, देखिए जैक फ्रूट कटहल मंचूरियन फ्रेंड। देख, ये हमने 250 ग्राम कटहल लिए हैं, उसमें 3-4 मीडियम साइज आलू बॉयल करके लिए हैं फ्रेंड। कटहल को भी आप छिल काट के, जैक फ्रूट को उसको 2 से 3 सीटी मीडियम फ्लेम पे बॉयल कर लीजिएगा, आलू और कटहल दोनों को फ्रेंड। और उसको देखिए, ये बीच का जो, ये देखिए ये बीच के भाग जो आगे के काटते हैं तो बच जाता है, उसको हम सारे को निकाल लेंगे फ्रेंड। ये देखिए इस तरह काट के, इससे आपका मंचूरियन सब्जी अच्छा नहीं होगा फ्रेंड। तो आप सारे को इस तरह अच्छे से निकाल लीजिए, देखिए इस तरह। और बॉयल करते समय फ्रेंड कुकर में इसकी जो चिपचिपापन होता है उसको हटाने के लिए आप 1 से 2 चम्मच कोई भी ऑयल को डालिए, जैसे खाने वाला रिफाइन हो, सरसों तेल हो, कोई भी तेल को आप डाल दीजिए फ्रेंड, तो वो चिपचिपा जो होता है इसका वो नहीं होगा फ्रेंड। देखिए हमने सारे को इस तरह निकाल लिए। कटहल थोड़ा एकदम बीच का होना चाहिए, ना ज्यादा पका हुआ और ना ज्यादा कच्चा, तो ऐसा कटहल लीजिएगा फ्रेंड। कच्चा वाला का भी आपका अच्छा नहीं होगा मंचूरियन फ्रेंड। तो देखिए हमने सारे को निकाल लिए। अब इसमें फ्रेंड देखिए, ये आलू और कटहल को मिक्स कर लेंगे फ्रेंड। आप चाहे तो इसका सीड भी निकाल लें, नहीं तो नहीं निकालना चाहते हैं तो ना भी निकाले फ्रेंड। ये देखिए अच्छे से मसलिए एकदम, ताकि हमारा मिक्स हो जाए बिल्कुल, जब हम बॉल बनाए तो अच्छे से हमारा बॉल बने फ्रेंड। ये देखिए जो सीड, देखिए ये तो बहुत ही अच्छा है, एकदम सॉफ्ट हो गया। अगर सॉफ्ट नहीं होता है फ्रेंड तो आप निकाल लीजिए। ये देखिए अब इसमें मिक्स कीजिए नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा ही नमक देंगे फ्रेंड, क्योंकि सॉस में भी हमारा नमक होगा, थोड़ा इंडियन थोड़ा चाइनीज दोनों मिक्स वेरिएंट है फ्रेंड। इसमें हम सांभर मसाला देंगे ताकि चटपटा भी हो जाए। 1 चम्मच लाल मिर्च देना चाहती हैं तो दे लीजिए फ्रेंड 1 छोटी चम्मच, नहीं तो हरी मिर्च भी आप दे सकते हैं। धनिया 1 बड़ा चम्मच। अब देखिए फ्रेंड इसमें बेसन देखिए 2 बड़ा चम्मच दे देंगे बस, और थोड़ा धनिया पत्ता का फ्लेवर तो और भी मजा आएगा। और एकदम चटपटा बनाना चाहते हैं एकदम लेडीज वाला तो थोड़ा हरी मिर्च। अब इसको फिर से मिक्स कीजिए फ्रेंड, जैसे आटा गूंथते हैं एकदम। देखिए फ्रेंड हमारा ये आटा की तरह एकदम जैसे गूंथते हैं वैसे हो गया। अब इसको आप गोला बना लीजिए बस। ये देखिए फटाफट, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा हाथ में अगर चिपचिपा लग रहा है तो पानी लगाइए और बस, एक साइज का सारा हम बना लेंगे फ्रेंड। बहुत ही मजेदार रेसिपी है फ्रेंड। देखिए इसमें ज्यादा तेल नहीं डालिएगा, तलना नहीं है, बस 1 से 2 बड़ा चम्मच सब्जी वाला डाल लेंगे फ्रेंड। अब इसको फ्लेम को मीडियम करेंगे, इस सारे को रखेंगे।
इस तरह सारे को रख लीजिए। देखिए फ्रेंड, हम सारे को रख लिए, अभी इसको बिल्कुल मत पलटिएगा, फ्लेम मीडियम रखिएगा और 2 से 3 मिनट के बाद इसको बस इस तरह हिला दीजिएगा, ये चारों तरफ से एकदम बेक हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस तरह थोड़ा कर दीजिएगा, हर 2-3 मिनट के बाद इस तरह थोड़ा करने से आपका चारों तरफ से एकदम तल जाएगा फ्रेंड, बिना तेल का ही थोड़ा हिलाते रहिएगा इसको। बस देखिए कितना अच्छा अब हमारा रेडनेस होने लगा। देखिए फ्रेंड, तो फ्लेम मीडियम रखिए और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसी तरह इसको घुमा दीजिए फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, 5 से 6 मिनट हम इसको इसी तरह घुमाते हुए सेकेंगे। ये देखिए अब हमारा कोफ्ता, देखिए बिना तेल के कितना क्रिस्पी क्रंची तैयार होने लगा फ्रेंड, बिल्कुल चारों तरफ से घुमाते रहिए। बस डीप फ्राई की जरूरत नहीं है फ्रेंड, तेल की जरूरत नहीं है इसमें। 7 से 8 मिनट बाद देखिए हमारा पलटते हुए देखिए एकदम डीप फ्राई की तरह हो गया, और जो भी आप तेल भी डाले थे फ्रेंड वो देखिए पैन में बचा हुआ है, तेल बिल्कुल सॉक नहीं किया ये फ्रेंड, बिल्कुल नहीं। तो कम से कम तेल में फ्रेंड आप यूनिक से यूनिक रेसिपी बना के खा सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए अब यह तैयार हो गया, अब हम इसको निकाल लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, पैन में तेल नहीं डालना है, अब हम 1 चम्मच सोया सॉस लिए हैं छोटे चम्मच से फ्रेंड, और 3 बड़ा चम्मच सब्जी वाला चम्मच से टमाटो सॉस, और घर का बना हुआ आमचूर सॉस जो लिंक डाला हुआ है फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, तो हमने उसको भी 1 बड़ा चम्मच डाले हैं फ्रेंड, सभी को आप इसमें डाल लीजिए फ्रेंड। इसमें थोड़ा पानी देंगे और सॉस को पकने देंगे। ये देखिए बस अच्छे से थोड़ा सा मिक्स होने दीजिए। देखिए फ्रेंड, हमारा सोया सॉस और टमाटो सॉस में थोड़ा बॉयल हो गया। सोया सॉस कभी भी ज्यादा नहीं डालिएगा, देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया फ्रेंड, देखिए आपके नजदीक से देखिए। अब उबलने लगा 2 मिनट बाद अब हम इसमें ये सारे कोफ्ते को डाल देंगे, ये सारे बॉल एक साथ ही डाल दीजिए फ्रेंड। अब इसको इसमें मिक्स होने दीजिए। बस इसके साथ थोड़ा सा बहुत ही देखिए सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाता है मंचूरियन फ्रेंड, बिना कुछ मिक्स किए। इसको 2 से 3 मिनट बॉयल होते हो गया फ्रेंड। देखिए अब आपको तरी वाला खाना है फ्रेंड, तो आप थोड़ा सा धनिया पत्ता और मिर्च, हरी मिर्च थोड़ा डेकोरेशन के लिए डाल दे फ्रेंड। अगर आपको तरी वाला नहीं खाना है तो आप और भी इसको सुखा सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए अब यह हमारा देखिए 2 मिनट में तैयार हो गया फ्रेंड बिल्कुल। अब गैस को बंद कीजिए और सर्व कीजिए फ्रेंड। देखिए सुपर सॉफ्ट एकदम, देखिए आप एक हाथ से छू नहीं सकिएगा, इतना अच्छा कटहल मंचूरियन बनकर तैयार हुआ फ्रेंड। देखिए फ्रेंड ये सब, फ्रेंड देखिए ये सब्जी बनकर तैयार हो गया फ्रेंड। ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, बेल आइकन रेड बटन जरूर दबाएं फ्रेंड, और ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड, और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें फ्रेंड, एक कमेंट जरूर लिखें।
तो हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है फ्रेंड, और हम न्यू से न्यू रेसिपी लेके आपके सामने आते हैं फ्रेंड। तो मेहनत के लिए भी एक कमेंट लिखिए फ्रेंड। फिर मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।